तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इसकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही इनडेप्थ प्रिपरेशन है वन टू टू इयर्स इज द टाइम फॉर द प्रिपरेशन एंड उसके बाद एक साल की एग्जामिनेशन साइकिल है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा इसका सोर्स ऑफ स्टडी क्या है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए आज हम बात करेंगे टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं विनीत कुमार विनीत कॉन्ग्रेचुलेसन्स विनीत है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सेवन इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट जी हाँ इट वॉज़ इन फर्स्ट अटैम्प्ट इनका ऑप्शनल था सोशोलॉजी विनीत बिलोंग टू गाजियाबाद विनीत हैज़ डन बी टेक फ्रॉम जे एस एस नोएडा इन सिविल इंजीनियरिंग टू थाउजेंड इलेवन बैच के हैं ये बी टैक इन्होंने फिर उसके बाद पी जी डी एम फ्रॉम आई आई एम लखनऊ से किया मार्केटिंग में टू थाउजेंड सेवेंटीन बैच में और टू थाउजेंड एलेवन से टू थाउजेंड फिफ्टीन इन्होंने वर्क किया एज एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विद डिजीन लिमिटेड एंड एजिस इंडिया ंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में टू थाउजेंड सेवेंटीन टू टू थाउजेंड एटीन में इन्होंने काम किया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो इनका बहुत सारा डाइवर्स वर्क प्रोफाइल है अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रोफाइल में इन्होंने जॉब किया एंड देन ही टूक ए कॉल टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही इज़ ए रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ द नेक्स्ट आई ए एस ऑफ जी एस प्री का मेन फाउंडेशन बैच ही जॉइंट इन द साकिद सेंटर एंड ही वर्क एंड इन फर्स्ट अटैम्प्टी क्लियर दी सिविल सर्विसज टू थाउजेंड नाइनटीन विद ऑल इंडिया रैंक सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी तो विनीत आपकी तो अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है आपका वर्क प्रोफाइल भी बहुत इतना डाइवर्स है इतना सब कुछ करने के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब करने के बाद देन हाउ यू कंसीव द आइडिया फॉर प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सर द आइडिया टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बेसिकली केम फ्रॉम ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड He also prepared for the Civil Services examination, made it to the mains in the first attempt, hmm. and unfortunately he could not get through the interview, okay. interview stage. But he became the inspiration, the inspiration for you? Yes. So, he is from Im Lucknow, Mr. Hemant Verma. Hmm. And one day we were talking about it, uh, he was having a very good career post im Lucknow, and I was also doing uh, good with my job. But we both were lacking, like we both were not very happy with our current job. Right. Like, like, it was going somewhere, but uh, it was not feeling very satisfying to us. And uh, then we thought that there is a difference between civil services, like a service and a career. So, this basic difference between a career choice and a services choice made, made us realize that now this is the time that we can experiment and focus on going into the services rather than making a big career in the corporate.

जो काफी ज्यादा पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन एक एज के बाद उनको लगता है कि अब हो चुका है अब नहीं कर पाएंगे काफी एज निकल चुकी है मास्टर्स कर लिया है हम लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस ले चुके हैं हम लोग जो है तो ऐसे लोगों से भी कुछ सीखने को मिला हमें जो है और उसके बाद नाउ लेट इट एंड so first attempt and cracking this examination in first attempt is not an easy task especially because there are the more than 6 to 7 lakh students who apply every year for civil services and only 800 to 900 vacancies so there definitely there is a very high competition and there are many students who prepare for the 3 year 4 year 5 years, some of them are selected in early बट समेक इवन फोर और फाइव बट आपने तो एक अटैम्प्ट में ही अपना काम कम्प्लीट कर लिया तो आ, विनीत इफ आई लुक फॉरवर्ड दिपरेशन स्ट्रेटी विच मे बी द एक्चुअल एरिया विच स्टूडेंट आर लुकिंग फॉर तो आपकी स्ट्रैटी फर्स्ट डे से क्या रही आ, सर स्ट्रेटी बहुत ही सिंपल थी आपको क्या करना है सबसे पहले आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है ये चीज़ें नहीं पढ़नी नहीं पढ़नी पहली चीज़ ये होनी चाहिए मार्केट में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है इंफॉर्मेशन ओवरलोड से हमें बचना है और हमें मेक श्योर sure करना है कि हम कम से कम लोगों से बात करें ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों से हम बात करेंगे उतने ऑप्शन हैं वो लोग हमें बताएंगे बताते जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे वी विल गेट कन्फ्यूज एंड अगर हम ज़्यादा कंटेंट को लेकर ज़्यादा रिसोर्स को लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं हमने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया हुआ है हमने एक कंटेंट क्यूरेशन ठीक से नहीं किया हुआ है तो बाय द टाइम दी एग्जाम डेट्स डेट अप्रोचिंग हम काफी नर्वस हो जाते हैं कि इतना सारा कंप्लीट करना है क्योंकि हमने बहुत ही अपना जो जो अपना होराइजोन है जो हमारी जो ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें पढ़ने तैयारी तो करनी है वो बहुत ज्यादा वाइड रखा हुआ है एंड mm -hmm. यूपीएससी में कोई भी चीज करने के लिए या किसी भी हार्ड एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जरूरी है कि हम उसको थोरोली रिवाइज करें करेक्ट और बार बार रिवाइज करना तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लिमिटेड सोर्स होगा जी हाँ। mm -hmm. और चीजें सर लिमिटेड नहीं होंगी तो वो उनको रिवाइज कर पाना मुश्किल हो पाता है इसलिए अपने कंटेंट क्यूरेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें कोई भी चीज़ उठाने से पहले कोई भी बुक मार्केट में जाके लेने से पहले नोट्स लेने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि येबस कैसा है सिलेबस कैसा है कैसा नहीं कितना रेलिवेंट मेरे लिए है और मैं इसको कितने जितनी ज़्यादा बुक्स में इकट्ठा करूँगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे ऐड होता जाएगा सो तो मैं क्वालिटी मटेरियल इकट्ठा करूँ उसके ऊपर आप रिसर्च करूँ मैं अपना रिसर्च करूँ थोड़ा पहले जो एंड देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट तो आपने किन सोर्सेज को रेफर किया इन योर प्रिपरेशन आंसर करंट अफेयर्स

दूसरी चीज थी मैंने क्लास का जो नोट्स वगैरह जो थे वो काफी अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह बनाए मैंने जो हैं। क्लास में आवाज अटे, मेरी अटेंडेंस तो थी like a, like right. आपको रिलीजियस होकर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको सारी चीजें एक तरफ रख देनी पड़ेगी और आपको पूरे ध्यान के साथ जितनी भी प्रेजेंस होती हैं वो सारी किसी डेडिकेशन कमिटमेंट एंड डेडिकेशन मतलब आपका पूरा का पूरा टाइम मतलब हैज़ बी डिवोटेड फॉर दिस आपको अपने डाइवर्जेंस जो हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अलग रखना पड़ेगा उसके बाद आपको सारी चीज़ें एक तरफ जब आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं या लेकिन या या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं अपने रूम में एंटर किया उस टाइम पर आप होने चाहिए और आपकी तैयारी होनी चाहिए आपके, आपके में जो है सो so, ये चीज़ें हैं सर आपने कंटेंट बनाया हुआ है और आपने रिलीजियसली उसको फॉलो किया हुआ है जो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ दी स्टडी मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है या कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है yes, इस चीज़ की जानकारी होना बहुत जरूरी, जरूरी है दैट इज़ ए गुड इंफॉर्मेशन आई थिंक इट विल हेल्प यू आप विनीत योर इंटरेस्ट इन ऐसे राइटिंग हैज़ बीन समथिंग विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और आपने अभी डिस्कशन के दौरान आपने बताया कि यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेल इन दी टेस्ट आल्सो तो इन ऐसे राइटिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ क्या डिफरेंट किया आपने उसको स्टडी या तैयारी कैसे की सर ऐसे को ऐसे राइटिंग के लिए आपके पास सक्सेस की की है कि आपकी अप्रोच क्या है आप ऐसे लिखने से पहले हमें पहले पहली बात तो यह कि सर बाकी और पेपर्स के कॉम्पेरिजन में ऐसे में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता वी कैन थिंक अबाउट द टॉपिक वी कैन नोट डाउन द पॉइंट्स दैट दीज आर द की पॉइंट्स

Right, and then connect the, that connect that introduction part to to the body part, right I'll start from the medieval India or ancient India or any other story other, if that can come to me, and then we'll try to take something out of that and we'll connect it to the body part right then I'll give the examples from the modern India ki kihamari past, the kiflalavi, and then the go go forward going uh, like way ahead or going forward something, something correct will be there so. तो ऐसे में हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग यू मे बी बिकॉज अभी तो मार्क्स आए नहीं बट स्टिल जस्ट एन आइडिया सर आप गेटिंग इन आन गैटिंग क्लासिंग सो आई थिंक दैट एटलीस्ट आई बी एबल टू मैच अप दैट मच मार्क्स तो रुचिका मैम ने आपको हेल्प की होगी फिर ऐसे रुचिका मैम लाइक सी इज अ वेरी ब्रिलियंट टीचर एंड ऑल्सो मैम के साथ

सर आपको प्लानिंग सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट एज वेल इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस आपको डेढ़ साल के आसपास का जो है पहली बार रिजल्ट आने में डेढ़ साल के आसपास आपको लग जाता है यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड द द रिजल्ट्स रिजल्ट्स फाइनल आर आउट सो उस डेढ़ साल के लिए आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू दैट जर्नी उसके बाद आपको सर आपको मेंटली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए जरूरी है कि यू आर फिजिकली फिट मेक श्योर दैट यू आर इन वेरी गुड स्टेट ऑफ हेल्थ यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप वीक में कम से कम दो तीन दिन जो है वर्कआउट के लिए जा रहे हैं रनिंग कर रहे हैं जिम जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो जरूरी है so या body body कि fitness, fitness अगर आप, really well. आप स्ट्रेस के साथ डील अच्छे तरीके से कर सकते हैं एंड दूसरी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है कॉन्फिडेंस भी रहता है पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है अगर आप फिजिकली फिट हैं तो योर माइंड वर्क्स लाइक एनी थिंग इफ यू आर फिज़िकली फिट इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट यू आर गोइंग थ्रू ए बैड स्टमक और आपको हैडक है या गैस की प्रॉब्लम है तो आपका फिर एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग कम हो जाएगी yes. आप पढ़ नहीं पाओगे ऐसे दो थिंग्स वर्क एज डाइवर्जेंस फॉर यू सो फिजिकल फिजिकल फिटनेस के ऊपर हमें पक्का ध्यान देना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमें पूरी तरीके से करनी है

वेल फॉर द टेस्ट कि आपको टेस्ट में जो है अपने पूरे वीक की परफॉर्मेंस देनी है सो दिस इज हाउ यू वर्क यू मेक आपके पास एक एनुअल uh, एग्जाम होने वाला है hmm. उसके टारगेट्स को आपने जो है मंथली में तोड़ा हुआ है कि hmm. मुझे इतने मंथ में मेरा पॉलिटी हो जाना चाहिए इतने दो महीने के अंदर मेरा इकोनॉमिक्स होना चाहिए साइंस एंड टेक होना चाहिए एंड देन यू ब्रेक दैट मंथली प्लान इन टू वीकली टारगेट्स एंड देन वीकली टारगेट्स आर अचीव्ड वर्किंग ऑन डेली बेसिस तो आप डेली बेसिस पर प्लान को अचीव करने के लिए काम करेंगे सर करेक्ट सो फ्रेंड्स फर्स्ट मेक दी प्लान ऑफ स्टडी एंड देन एग्जीक्यूट इट एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी ऑन डेली बेसिस क्योंकि वहाँ पर गलती हो जाती energy, है yes. आपने प्लानिंग सर अच्छे से स्टार्टिंग में कर रखी है देन यू हैव टू वर्क ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट राइटिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और ख़ास करके मीनस में तो राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया आपने सर राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू लुक एट दी पेपर ऑफ एस ए उट राइटिंग स्किल्स आपको कंटेंट के साथ साथ कंटेंट बहुत जरूरी है लेकिन तो ऐसे की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में राइटिंग स्किल्स आपके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एंड ऐसे में अच्छी परफॉर्मेंस कैन मेक और ब्रेक यू गेम क्योंकि बहुत ईजी होता है स्कोर करना ऐसे में सो राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एटलीस्ट टू थ्री एग्जू थ्री क्वेश्चन डेली बेसिस पर और आप वीक में जो है एक टेस्ट को दे रहे हैं जो असेस हो पा रहा है आपका जो है टेस्ट वगैरह असेस है और आपको लिखना है आपकी वोकेबलेटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए द वे यू आर पुटिंग अप योर थॉट्स ऑन योर ऑन द पेपर वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड थिंग कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग बाय रीडिंग न्यूज आप एक सिंपल इंटरेस्टिंग न्यूज पेपर पकड़िए इट इज नॉट एक्सप्रेस

क्वालिटी वाला सेक्शन पढ़ा है स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पढ़ा है एंड वंस यू हैव दैट रीडिंग हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर देन यू गो देन यू स्टार्ट हिटिंग द एडिटोरियल राइट तो आपने सेल्फ नोट्स बनाए या फिर कोई ऐसे शॉर्ट नोट्स विच यू रेफर्ड इन द लास्ट मोमेंट और यू जस्ट मार्क्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर कन्वेंशनल नोट्स क्लास नोट्स सर टू बी ऑनेस्ट लेट मी टेल इट वेरी फ्रेंकली एंड ओपनली यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर हमने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने से बचा हुआ है तो हमारे पास सलेबस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है hmm. और उस लिमिटेड सलेबस को बार बार रिवाइज करना इज ऑल्सो नॉट ए वेरी बिग थिंग सो तो मैं सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चला आई डिड नॉट मेक एनी शॉर्ट नोट एली अदर शॉर्ट ऑफ स्मॉल नोट्स मेरे पास जो अपने क्लास नोट क्लास रूम के जो नोट्स थे मैंने उन्हीं को थोरोली फॉलो किया लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया है कि जो भी चीज़ें मैंने की हैं उनको मैंने इन डेप्थ पढ़ा है और बार बार रिवाइज किया है राइट right. आप एक चीज पकड़िए उसको बार बार करिए एंड आपको वो चीज़ रिटेन हो एंड देन रिकॉल बहुत हो जाएगा राइट विनीत इन लास्ट आई विल जस्ट लाइक टू नो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट आई एस बिकॉज यू स्टार्टेड योर जर्नी विद नेक्स्ट आई ई एस जी एस फाउंडेशन बैच एंड देट वॉज फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट आई एस एज वेल सर द फैकल्टी एक्सपेक्ट द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी इज रियली गुड एट नेक्स्ट दे आर फ्यू टीचर्स देट आर वर्थ मैन इन तारिक सर रुचिका मैम जिल्फिका सर जिस तरीके से इन लोगों ने नोट्स वगैरह बनवाए हैं और मैंने केवल वही फॉलो किया है दोजर कमेंटेबल मेनस में प्री में दे दे, दे रियली सर मैंने कुछ चीज़ें बिल्कुल भी रेफर नहीं की हैं इनके अलावा जो आई अधर्ड टू वॉट दे टॉट मी इन द्लास एंड वॉट देक्ट एंड